गणतंत्र दिवस से पहले तमाम पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जैसे कि पद्म पुरस्कार, बालवीर पुरस्कार। पुरस्कृत होने वाले तमाम नामों में, सम्मानित होने वाले तमाम लोगों में एक नाम जूम का भी शामिल था। जूम जो भारतीय सेना का डॉग था, जूम जो अक्टूबर 2022 में सेना के साथ ही एक ऑपरेशन में शामिल था, लेकिन आतंकियों की गोली लगने के कारण उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले जूम ने अपना काम बखूबी निभाया था और इसी नाते उसे मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2022 की बात है, जब दक्षिणी कश्मीर के तंग पावा इलाके में रात को सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक जगह छिपे होने की जानकारी मिली थी। सेना ने आतंकियों की तलाशी शुरू कर दी। पता चला कि आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। तब जाबाज जूम को आगे किया गया ताकि वो आतंकियों से लोहा ले सके, उनके हथियार छीन सके और उनका ध्यान भटका सके। सेना ने जो काम दिया था, जो काम सिखाया था, जूम ने वो काम बखूबी अंजाम दिया। जूम के अटैक से आतंकी घबरा गए और सेना ने लश्कर ए तैयबा के इन दो आतंकियों को मार गिराया। 2 साल 1 महीने का था जूम जब वो इस ऑपरेशन में सेना के साथ शामिल हुआ था। ऑपरेशन में जूम से सामना होने पर आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए थे। जीत तो जूम की हुई, उसकी टीम की हुई, लेकिन आतंकियों की ताबड़तोड़ गोलीबारी में जूम को 2 गोलियां लग गई थीं। बड़ी बात यह है कि गोली लगने के बाद भी जूम रुका नहीं, वो आतंकियों से लड़ता रहा। हालांकि जख्मी होने से पहले वो अपना टास्क पूरा कर चुका था, वो टास्क जो उसे भारतीय सेना ने दिया था, सिखाया था। उसके अटैक से आतंकी घबरा गए थे और इसका फायदा उठाते हुए भारतीय सेना ने आतंकियों को मार गिराया था। जूम भारतीय सेना का कैनाइन सोल्जर था, सेना की डॉग यूनिट का हिस्सा था। इस ऑपरेशन में सेना के साथ रहते हुए उसने सेना की बड़ी मदद की, अपना टास्क पूरा करा, लेकिन आतंकियों की गोली लगने से जूम ने दम तोड़ दिया था। सेना की तरफ से उस समय कहा गया था, जूम को उस घर में भेजा गया था जहां आतंकी ऑटोमेटिक हथियार से नागरिकों को निशाना बना रहे थे। ये आतंकियों का ध्यान भटकाने के लिए एक रणनीति थी ताकि नागरिकों को भागने का रास्ता मिल सके। जूम ने अपना काम सफलता से किया। आतंकियों की गोली से जूम के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, चेहरे पर भी गोली लगी थी। उसका इलाज श्रीनगर के आर्मी वेटरनरी हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। जूम ने भारतीय सेना के साथ रहते हुए तमाम टास्क पूरे करे। जिस ऑपरेशन में उसे उतारा गया, उस ऑपरेशन में भी उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, सेना का साथ दिया। आतंकियों की गोली लगने से जूम ने दम तोड़ दिया था, लेकिन इसके पहले वो एक बड़ा योगदान दे के जा चुका था। जूम की इस बहादुरी को, उसके योगदान को याद किया गया है। जूम को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।